आपको एक पते की बात बताती हैं, जो आप ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, ये आपके सांस गलत लेने के कारण होती है। हमारे जो लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी होती है वो 5 से 6 लीटर तक सांसों को लेने की होती है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है और हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, लगभग 300 से 500 ml सांसें हम ले पाते हैं। और अब योग का अभ्यास जब आप करते हैं तो बहुत आसनों की मदद से, प्राणायाम की मदद से, हमारा ये मकसद होता है कि हम सांसें जो हैं गहरी लें और अच्छी तरीके से कंसिस्टेंट सांसें हों, उसमें किसी भी तरीके की तकलीफ़ या कोई भी जर्क ना हो। लेकिन ये जो सांस गहरी लेने का तरीका है, ये भी ये धीरे धीरे डेवलप होता है, एक दिन में डेवलप नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको विलोम प्राणायाम का अभ्यास स्टेप बाई स्टेप सिखाऊँगी, जिसकी मदद से आपकी सांसें जो हैं उनमें स्टेबिलिटी आए और सांस साथ में गहरी भी हो और इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी इन्हेंस हो। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएं। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स हर रोज़ डालती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जानते हैं गहरी सांस लेने के आपको बेनिफिट क्या है, या विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको क्या स्वास्थ्य लाभ मिलने वाले हैं। लंग्स की कैपेसिटी इन्हेंस होगी, आपके हार्ट का फंक्शन बेहतर होगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो है इम्प्रूव होने की मदद से आपके सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिससे सेल्स जो हैं पुनर्जीवित होंगे और बहुत जल्दी थकान नहीं होगी। इसके अलावा जब आप गहरी सांस लेते हैं तो इससे आपका मूड भी अच्छा होता है, कोई भी काम करने में आपका मन लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होती है। तो इस तरीके से आप गहरी सांस लेके ये सारे के सारे स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, कुछ भी सोचने समझने की क्षमता इम्प्रूव होती है, और अगर ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है तो इससे सिक्रीट होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं, जिससे कि सारे के सारे ऑर्गन्स खुशी खुशी बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब सारे ऑर्गन्स हेल्दी, जब सारा ब्रेन हेल्दी, लंग्स और हार्ट हेल्दी, तो आप तो हेल्दी होंगे ही होंगे। तो सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न को सही कर लें और इतने सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से पालती मार के क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं या कुर्सी पे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। सबसे पहले जरा आप ये चेक करें कि आप अभी जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो कैसी हैं। तो आंखों को बंद कर लें, अपने दोनों हाथ के अंगूठे और उंगली को एक दूसरे के साथ जोड़ें और 3 उंगलियां बाहर की तरफ, बहुत ऐसे बाहर स्ट्रेच करके ना रखें, अगर हल्की सी मुड़ी हुई भी हो तो इस तरीके से चिन मुद्रा लगा लें। चिन मुद्रा लगाने के बाद अपने ध्यान को अपने सांसों के आने और जाने के पैटर्न को बंद आंखों से देखें, सांस कैसी आ रही है जा रही है बिना किसी रोक टोक के, सांस कैसी आ रही है जा रही है इसकी जानकारी आप बनाएंगे। और इसकी जानकारी बनने के बाद अब आप गहरी सांस लेंगे नाक से, और लंग्स की जितनी आपकी अभी कैपेसिटी है उतनी ही सांसें अपने लंग्स पर, अपने फेफड़े पर भरेंगे। सांस लेंगे नाक से और नाक से सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे नाक से और नाक से सांस को छोड़ देंगे। कम से कम 5 मिनट इस तरीके का अभ्यास कर लीजिएगा, लेकिन ये ना हो कि सांस लेते वक्त आप ऐसे सांस खींच रहे हैं। ये अभ्यास आप मत कीजिएगा, सांस को बहुत आराम से लीजिएगा, आराम से छोड़िएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको कोई तकलीफ आ रही हो। अब इन सांसों को और गहरा करना है और लंग्स की कैपेसिटी इन्हेंस करने के लिए विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले आँख को बंद कर लिया, और आँख को बंद करने के बाद अपने सांस को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। एज अ बिगनर 3 भाग में डिवाइड करेंगे, और जब कुछ हफ्तों का अभ्यास हो जाए तो 4 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ 3 भाग में डिवाइड करेंगे। थोड़ी सी सांस लेंगे रुक जाएंगे, थोड़ी सी सांस लेंगे रुक जाएंगे, और फिर पूरी सांस ले लेंगे जितनी आपके
फेफड़े पर अभी जगह बची होगी। और फिर सब जब जब सांस छोड़ना होगा तो धीरे 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 दोनों नासिकाओं से एक बार में इस तरीके से सांस को छोड़ देंगे। यानी कि छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे कि अगर आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ियों की मदद से पहले फर्स्ट फ्लोर में गए, रुक गए, थक जाते हैं ना, फिर दूसरी फ्लोर में गए, रुक गए और फिर थर्ड फ्लोर में पहुंच गए, और जब वापस आना है तो आपको लिफ्ट मिल गई और आपने लिफ्ट का बटन दबाया और धीरे 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 करके उतर गए। तो सांस लेंगे नाक से, सांस लेते वक्त इंटरप्टेड इनहलेशन और सांस छोड़ते वक्त स्मूथ एक्सहलेशन करना है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आराम से चिन मुद्रा लगा लिया, आँख को बंद कर लिया, नाक से सांस लिया, रोक लिया, सांस लिया, रोक लिया और पूरी सांस ले ली और फिर धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ दिया। धीरे 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 दोनों नासिकाओं से सांस छोड़ दिया और पूरे फेफड़े को खाली कर दें, जितना हो सके पूरा खाली कर दें ऐसा। और आपको एक बात बताऊं, जब आप पूरा फेफड़ा खाली करते हैं तो जब आपका फेफड़ा खाली हो गया तो नई सांसें तभी आएंगी। इसीलिए कोशिश करें कि सांस जब छोड़ें तो उसको धीरे 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 पूरा का पूरा खाली करें ताकि जब नई सांस आए तो उसको जगह मिले। जैसे एक ग्लास में अगर पानी भरना है और पानी अगर ऑलरेडी आधा भरा हुआ ग्लास में, तो नया जो पानी आप भरेंगे वो सिर्फ आधा ग्लास भरेगा। तो इसको पूरा ग्लास भरने के लिए पहले जो आधा ग्लास ऑलरेडी क्वांटिटी है पानी में उसको खाली कर दीजिए, फिर उसके बाद आप फुल भर सकेंगे। तो सांस लिया, फिर से देखिए, नाक से होल्ड किया, सांस लिया, होल्ड किया, पूरी सांस ले लेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 3 काउंट तक सांस लेंगे और 12 काउंट तक सांस को छोड़ेंगे। फिर से अभ्यास करते हैं। सांस लेंगे नाक से, इनहेल, रुक जाएं, इनहेल, रुक जाएं, पूरी सांस ले लें और फिर सांस को छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। दोस्तों, अगर आप सभी मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस लाइव होती हैं जिसमें आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। आप मेरी निगरानी में रह के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के तरीके, साथ ही डाइट में किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में लाइव 1 घंटे की क्लासेस होती हैं और जिसको कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, अत्यधिक मानसिक तनाव, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना है, फर्टिलिटी का इशू है, तो ऐसी सभी समस्याओं में ये क्लासेस बहुत मदद करती हैं। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं ना, उनको इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद अपनी हेल्थ कंडीशन में गजब के सुधार देखने के लिए मिले हैं और उनकी मेडिकेशन भी बहुत हद तक कम हो चुकी है। अगर आप किसी कारण से ये लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स डेवलप किए हैं, बनाए हैं, जो कि एक्सक्लूसिव मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जब आप इन कोर्सेज को परचेस करते हैं तो अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के इन वीडियोस को सामने प्ले कर दीजिए। 1 घंटे का अभ्यास होता है, सीक्वेंस में पूरा अभ्यास आराम से कीजिए बिना किसी डिस्टरबेंस के। आप अभ्यास इनको कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई एडवर्टीजमेंट आएगा नहीं, तो आराम से अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इन क्लासेस और कोर्सेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। अभी जाके चेकआउट मत कीजिएगा, अभी सारी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में चेकआउट कीजिएगा। तो इसका अभ्यास कितना करना है, मिनिमम 9 राउंड्स कर लें,
और अगर इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट हर दिन करते रहें तो आपको कुछ ही हफ्तों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा अपने लंग की कैपेसिटी में। अब यहाँ पर अगर आप ब्रेथ को रिटेन कर सकते हैं कुछ हफ्तों के बाद, जब आपका इतना अभ्यास हो जाए, लगभग 3 से 4 हफ्ते हो जाएं, तो फिर कुछ हफ्तों के बाद इसमें आप कुंभक का अभ्यास भी जोड़ सकते हैं। कैसे? सांस लिया, रुक गए, और जो इनहलेशन अभी हम 3 काउंट तक कर रहे थे, 3 होल्ड कर रहे थे, अब 4 होल्ड कर देते हैं और ब्रेथ रिटेंशन को करेंगे। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आपने 3 से 4 हफ्ते अभ्यास करने के बाद ही इस अभ्यास को करना है। सांस लिया, रुक गए, सांस लिया, रुक गए, सांस लिया, रुक गए, और पूरी सांस ले ली, रोक लिया। फिर सांस छोड़ रहे हैं धीरे 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 अपनी नासिका से, और पूरे फेफड़े को खाली कर दें। सांस लेने, छोड़ने और रोकने का रेशियो क्या होगा? 4 काउंट तक सांस ली, 4 × 4 16 काउंट तक सांस को रोका, 4 × 2 8 काउंट तक सांस को छोड़ दिया। ठीक है, सांस जितनी ली उसे 2 गुनी सांस छोड़ी, और रोकना 4 गुना है, जिससे लंग्स की कैपेसिटी और इन्हांस होगी। फिर से सांस लिया, होल्ड, सांस लिया, होल्ड, सांस लिया, होल्ड, पूरी सांस ले लें, रोक लें। छोड़ें, तो देखा कितना आसान अभ्यास है। और हर बार जब आप अभ्यास कर लें तो उसके बाद कुछ देर शांत बैठें, कॉमन मिस्टेक समझ लेते हैं कि क्या अमूमन करते हैं। कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब मैं सांस ले रही थी तो मेरी स्पाइन पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, मैं जो सांस भर रही थी अपने फेफड़े पर भर रही थी। लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, सांस लेते वक्त ऐसे पूरा पीछे की तरफ झुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। ऐसे तो ध्यान दीजिए कि आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो अपनी रीढ़ की हड्डी पर नहीं, बल्कि अपने फेफड़े पर ये काम कर रहे हैं। तो बहुत आराम से सांस लें और फिर सांस को छोड़ें। तो रेस्पिरेशन का काम आपके लंग्स कर रहे हैं, ना कि आपके स्पाइन या वर्टीब्रा। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें। बहुत बार लोग ऐसे स्पाइन को राउंडेड करके बैठ जाते हैं, इस तरीके से झुक जाती है स्पाइन और फिर ऐसे कंधे आगे की तरफ झुके होंगे, तो इस तरीके से ना करें, वरना इससे क्या होगा कि लंग्स ऑलरेडी जो है, आपके फेफड़े जो हैं ऑलरेडी संकुचित हो गए, उनको जगह ज़्यादा नहीं मिल रही थी। ज़्यादा जगह लाने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। तो इसका अभ्यास कब करना है, अब ये बात कर लेते हैं। विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप कोशिश करें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करें, जब आप आसन का अभ्यास कर लें। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले इसका अभ्यास कर लें, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के अभ्यास से पहले इसका अभ्यास कर लें, और फिर उसके बाद आप ध्यान के अभ्यास की तरफ और फिर रिलैक्सेशन का अभ्यास करें। सुबह वक्त ना मिल पाए तो इसका अभ्यास आप शाम में या दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। सुबह इसलिए बोला जाता है क्योंकि सुबह जो है आपको पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा अपनी सिटी में, तो इस तरीके से ध्यान रखें। कितना करना है? मिनिमम 3 से 5 मिनट अभ्यास कर लें, और अगर ज़्यादा वक्त नहीं है तो 9 राउंड इसका अभ्यास करना आपके लिए लाभदायक होगा। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, किस तरीके से आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं और किस तरीके से गहरी सांस लेके अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आने वाले दिनों में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं किसी कारण से तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उनको भी ये स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। आप सभी अपना ध्यान रखें, निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। अगली वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होती है। नमस्ते।